हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ C++ और जावा में अंतर क्या है। लोग कहते हैं कि जावा जो है वो सेम टू सेम C++ की तरह है, लेकिन इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस हैं जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ कि C++ और जावा में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए, C++ और जावा दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी इतनी पॉपुलर जावा है। सी प्लस प्लस भी है पॉपुलर, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। सेम होती तो अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि जावा क्या है और सी प्लस प्लस क्या है। तो जावा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें सारा ऑब्जेक्ट पे ही होता है। मतलब जो जावा होता है वो पूरी तरह से ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, और जो सी प्लस प्लस है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। प्रोसीजर ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि सी प्लस प्लस सी को भी सपोर्ट करती है, आप ये कह सकते हैं एक सरल भाषा में, जिसमें सी प्लस प्लस में हम सी के भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं, लेकिन जावा में किसी दूसरे का प्रोग्राम नहीं रन करा सकते हैं। तो ये हुआ पहला बेसिक अंतर कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है। ठीक, सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करती है। ठीक, पॉइंटर आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में पॉइंटर क्या होता है। ठीक, सी में पढ़ा होगा पॉइंटर क्या होता है। तो सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करती है, जबकि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक, उसमें पॉइंटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा हुआ, ये तीसरा क्या है, जावा सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। ठीक, जावा जो है कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर का यूज करती है, जबकि सी प्लस प्लस सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर का यूज करती है। ठीक, जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो सी प्लस प्लस कंपाइल करके हमें आउटपुट दे देता है, जबकि जावा जो है वो कंपाइल होता है, इसके बाद इंटरप्रेटर इंटरप्रेट होता है, फिर इसके बाद वो आउटपुट देता है। ठीक, अब हम चौथी बात करते हैं, सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, जबकि जावा ना तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो में से किसी का भी यूज नहीं करती ना सपोर्ट करती है। ठीक, पांचवा, जावा में डिफरेंट क्लास और मेथड यूज करने के लिए इंपोर्ट मेथड यूज की जाती है। जावा में हम जब जैसे कि सी प्लस प्लस में हैच इंक्लूड या स्ट्रीम डॉट एच, मतलब हेडर फाइल्स जो पहले से बनी हुई हेडर और लाइब्रेरी फाइल में हेडर फाइल्स होती हैं उनका यूज की जाती है, जबकि जावा में इंपोर्ट फाइल यूज की जाती है। ठीक, तो ये हुए पांच बेसिक अंतर। और छठवां क्या हुआ, जावा में हम गो टू स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में हम गो टू स्टेटमेंट का यूज कर किया जाता है। ठीक, जावा में गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं होता है। ठीक, और यही सी प्लस प्लस में गो टू स्टेटमेंट यूज होता है। फिर सातवां, जावा में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज होता है, जबकि जावा में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज नहीं होता, बल्कि सी प्लस प्लस में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज होता है। सॉरी, इसके लिए कि सी प्लस प्लस में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज होता है, जबकि जावा में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज नहीं होता है। ठीक, फिर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वहीं सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सी प्लस प्लस का सेम कोड हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक, जैसे हम किसी विंडोज में कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, और सेम प्रोग्राम कोड अगर हम लाइनक्स में रन कराते हैं तो हो जाता है, जबकि सी प्लस प्लस का सेम प्रोग्राम यदि हम विंडोज में बनाते हैं और उसे लाइनक्स में या मैक में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में रन कराते हैं तो रन नहीं होता है। ठीक, तो जावा, फिर ये हुआ आता
आठवां, अब नौवां, जावा में सभी ऑब्जेक्ट को सिंगल रूट हायरार्की से डिराइव्ड किया जाता है, तो वहीं सी प्लस प्लस में ऐसा कोई रूट हायरार्की का यूज नहीं करता है। ठीक, दसवां, जावा में डिफॉल्ट आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट आर्गुमेंट सपोर्टेड है। तो जावा में डिफॉल्ट आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता है और सी प्लस प्लस में यही डिफॉल्ट आर्गुमेंट सपोर्टेड है। तो ये हुए 10 बेसिक अंतर जो जावा और सी प्लस प्लस में मेन बेसिक डिफरेंस है, जबकि दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, लेकिन इनमें बेसिक अंतर जो है, ये हमें 10 बेसिक अंतर बताए कि जावा के जावा और सी प्लस प्लस में क्या अंतर होता है। तब तक के लिए बाय।